पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो आपको कहा है फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। सर ये तो बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन आ गया। कोई अजीबोगरीब नहीं है, देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो y जो है इट डिपेंड्स ऑन x, ठीक है। सो आप यहां पर कहोगे y, ये जो पोजीशन है, एक सेकंड, यहां पर x ने मुझे t में इक्वेशन लिखना चाहिए, t क्यूब माइनस 2t प्लस टी स्क्वेयर। टाइम चेंज होने से पोजीशन चेंज होती है, ठीक है। सो ये जो पोजीशन है इट इज फंक्शन ऑफ टाइम, डिफरेंट टाइम पर ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली मूविंग है तो इसकी पोजीशन अलग अलग रहेगी। सो पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय y इक्वल टू टी क्यूब माइनस टू टी प्लस टी स्क्वेयर। ओके ठीक है सर, अब हम क्या कहते हैं, अभी पार्टिकल कोई y1 पोजीशन पर है तब t की वैल्यू t1 रहेगी, तो ये आ जाएगा t1 क्यूब माइनस 2t1 प्लस t1 का स्क्वायर। दूसरी पोजीशन रहेगी y2, इट विल बी t2 क्यूब माइनस 2t2 प्लस t2 का स्क्वायर। ओके बढ़िया है। सो चेंज इन पोजीशन y2 y1, ये अगर चेंज इन पोजीशन है तो इसके लिए जो समय लगा है t2 माइनस t1, इस गिवन समय में आप चेंज इन पोजीशन निकाल सकते हो क्या? हाँ सर, वो तो ऐसी आएगी डेल्टा y बाय डेल्टा t, जो कुछ भी टाइम लगा, पहले t, फाइनली t2 है टाइम, पहले t1 था तो t2 माइनस t1 दैट इज डेल्टा t, चेंज इन पोजीशन y2 माइनस y1। और फिर हमने कहा कि देखो अगर टाइम बहुत छोटा हो रहा है तो आप लिख सकते हो v इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, सही है क्या? इसे कहा जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कौन सी कंडीशन है ये? दिस इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी। सो ये वो स्पेशल कंडीशन है जहां पर आपका टाइम इंटरवल बहुत बहुत छोटा है और ऐसे को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस। बहुत छोटा टाइम मतलब क्या? एक इंस्टेंट, उस इंस्टेंट की कंडीशन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इसे कैसे निकाल सकते हैं? तो डी वाई बाय डी टी, जो पोजीशन चेंज हुई है बहुत छोटे से समय में। सर ये तो बहुत आसान हो गया। सो v इंस्टेंटेनियस आ जाएगा हमारा डेरिवेटिव। y मतलब कौन है? t क्यूब माइनस 2t प्लस t स्क्वायर। अरे ये तो अपने जान पहचान का है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, कल हमने जो प्रॉब्लम किया था वहां पर भी x था, यहां पर भी x था। अब x x के जगह यहां पर कौन आ गए हैं? t और t, ठीक है। हमने जो सभी फॉर्मूले देखे हैं वो x के फॉर्मेट में है, जहां पर x चेंज होता था। अभी कौन चेंज हो रहा है? समय चेंज हो रहा है। सो ये इक्वेशन आ गया, दिस इज फंक्शन ऑफ t और नीचे है t। तो जैसे अभी फॉर्मूला देखा था ये डेरिवेटिव ब्रैकेट के अंदर जा सकता है, तो इसे हम कैसा लिख सकते हैं? डी डी टी ऑफ टी क्यूब माइनस टू इंटू डी डी टी ऑफ टी। मैंने दोनों स्टेप साथ में की, डेरिवेटिव को अंदर लेकर गया, कोएफिशिएंट को बाहर निकाला, प्लस डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर।
क्या ये स्टेप सभी को ध्यान में आई क्या? यस क्या सभी को ये ध्यान में आई अभी जो दिखा है वो? यस सर। पक्का? यस सर। विदाउट? नहीं है। ठीक है चलो। सो देखो अब अपन डेरिवेटिव लिखेंगे। सो अभी हमें पता है डेरिवेटिव कैसा लिख सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहां पर। सो हमें दो फॉर्मूले पता है, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n dx। dx upon d, d upon dx is equals to एक सेकंड। रेरक आपके पीछे है क्या, बैकग्राउंड में बहुत आवाज? हाँ। सो ये फॉर्मूला हमें पता है, दिस इज n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, अब देखो ये x का फंक्शन था, हम x के रिलेटिव चेंज निकाल रहे थे। अब ये t का फंक्शन है और t के रिलेटिव चेंज निकालना है। सो x के जगह t आ गया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। सो अपन इसका डेरिवेटिव इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। सो ये x टू द पावर n का डेरिवेटिव आता है n x रेस टू द पावर n माइनस 1। तो ये आ जाएगा n के जगह कौन है 3। t और n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1। ये 2 वैसा ही, हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1, तो डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t विल बी 1। तो डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर विल बी 2 सामने t रेस टू द पावर 2 माइनस 1। इसे रीअरेंज करते हैं तो दिस विल बिकम, ऊपर लिखता हूं, हाँ एक सेकंड। ये बन गया 3t स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2t। ये रहेगी हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर आपको कोई टाइम दिया रहता कि फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3, तो आप t के जगह 3 पुट करते। फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4, तो आप t के जगह 4 पुट करते। बट सिर्फ वेलोसिटी निकाल कर काम होने वाला है क्या? नहीं, आपको एक्सीलरेशन भी निकालना है। अब जनरली एक्सीलरेशन को कैसे लिखा जाता है? सो एक्सीलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो अगर लिमिटिंग कंडीशन होगी मीटिंग कंडीशन जहां पर डेल्टा टी बहुत छोटा है, इसे अपन दे सकते हैं डीवी बाय डीटी। और ऐसे एक्सीलरेशन को कहा जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ओके सर, ठीक है। सो इसे हम लिख सकते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इक्वल टू ddt of v। बट v क्या है? तो देखो v itself is a function of t। so v के जगह ये वैल्यू मैं लिख सकता हूं, अब यहां पर फिर से डेरिवेटिव के रूल लग जाएंगे। ddt of, डायरेक्ट लिखो क्या, ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा, कोएफिशिएंट बाहर निकल जाएगा, 3 इंटू डी डी टी ऑफ टी स्क्वेयर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी। क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव? टी स्क्वेयर का अभी निकाला था हमने, 3 इंटू 2 टी। एन सामने आ गया, 2
n minus 1, that is 2 minus 1. So 1 bachega. So 2t. Derivative of constant. Derivative of t. 1. So kitna aa jayega ye? 6t plus 1. Sorry, plus 2. 2 into 1 is 2. अगर इसे ठीक से लिखना है तो यहां पर अपन ने यूनिट भी लिखना चाहिए. आया क्या ध्यान में? दोनों भी चीजें बता दी. कौन सी? एक तो डेरिवेटिव को कैसे यूज करना और उसको यूज करके हमारी वेलोसिटी एक्सीलरेशन कैसे निकालना. ठीक है, हमें क्या दिया था? पोजीशन का इक्वेशन दिया था. किसका? पोजीशन. पोजीशन किसके साथ चेंज हो रही है? तो पोजीशन इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो हमने कहा चेंज इन पोजीशन को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, और उसको उसका जो रेट है, जिस रेट से पोजीशन चेंज हो रही है, जिस रेट से पोजीशन चेंज हो रही है उसे कहा जाता है वेलोसिटी. So, हमने कहा वेलोसिटी रहेगी dy by dt. फिर हमने y के जगह पोजीशन का इक्वेशन रखा और उसे डिफरेंशिएट कर दिया. फिर हमने कहा देखो जैसे पोजीशन चेंज होने का रेट है वेलोसिटी, वैसे ही वेलोसिटी चेंज होने का रेट है एक्सीलरेशन. So, हमने एक्सीलरेशन को लिखा dv by dt, v के जगह इक्वेशन रख दिया और सॉल्व किया. क्या ठीक है? किसी को दिक्कत आई है? कहीं एक आधा पार्ट रिपीट करना है मुझे बताइए. सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. देखो कुछ भी नहीं है. नॉर्मल वेलोसिटी मतलब क्या है? नॉर्मल वेलोसिटी मतलब ऐसा है कि गिवन टाइम इंटरवल में आपने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की है उस डिस्प्लेसमेंट कवर करने का रेट. ठीक है, अभी हम क्या कह रहे हैं? अभी हमारा टाइम बहुत छोटा है. सो जस्ट इमेजिन अमरावती टू नागपुर अगर अपन जा रहे हैं, वही अपना घिसा पीटा एग्जाम्पल, हम जा रहे हैं फ्रॉम अमरावती टू नागपुर. मैं सुबह 8 बजे निकला, मैं 11 बजे नागपुर पहुंचा और मैंने डिस्टेंस कवर किया है 150 किलोमीटर. एज्यूम करते ये स्ट्रेट लाइन में है. ठीक है, सो कितना समय लगा मुझे अमरावती टू नागपुर जाने के लिए? 3 घंटे. मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? 150 किलोमीटर. सो मैंने कहा देखो ये 150 किलोमीटर मैंने कवर किए हैं 3 घंटे में, तो मेरी स्पीड कितनी हो गई या मेरी वेलोसिटी कितनी हो गई? 50 किलोमीटर पर आवर. अब दिस इज ओवर द ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स. ये 3 आवर्स की कंडीशन है. अब मैं कह रहा हूं जब घड़ी में 9:05 हुए उस वक्त ट्यूसा के आगे के जो स्पीड ब्रेकर है वहां से मेरी गाड़ी जा रही थी, तो क्या स्पीड ब्रेकर पर भी गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर रहेगी क्या? नहीं सर. नहीं, तो गाड़ी की स्पीड डिफरेंट रहेगी. बिल्कुल सही है, तब गाड़ी की स्पीड डिफरेंट रहेगी. और हम कहते हैं यहाँ पर हमारी स्पीड थी एक्चुअली, जब मैंने स्पीडोमीटर दिखा तो स्पीडोमीटर दिखा रहा था 13 किलोमीटर पर आवर. फिर 10 बजे मुझे थोड़ी नींद जैसे आने लगी, इसलिए यहाँ पर जो एक चाय की टपरी है वहां पर मैंने चाय पिया. अब चाय पीने के लिए मुझे 5 मिनट लगे. सो फ्रॉम 10 to 10:05 इस समय मेरी गाड़ी यहाँ पर रुकी हुई थी और मैं चाय पी रहा था. ओके, ठीक है सर. सो मुझे अभी बताओ
क्या आप मुझे बता सकते हो क्या 9:05 यहां पर मेरी स्पीड क्या होगी? सर देखो 9:05 पर 13 km/h है, स्पीड ब्रेकर पर है तो स्पीड ब्रेकर पर एकदम से स्पीड नहीं बढ़ेगी, आपकी स्पीड उतनी ही रहेगी 13 km/h। क्या आप मुझे बता सकते हो क्या 10:02:30 पर मेरी स्पीड क्या थी? तो देखो सर आप रुके हुए थे, आप चाय पी रहे थे, आपकी स्पीड थी 0 km/h। अब ये कौन सी वेलोसिटी है? और ये कौन सी वेलोसिटी है फिर सर? तो ये तो ओवर द ड्यूरेशन ऑफ 3 hours की कंडीशन है, ये पूरे 3 hours की जो कंडीशन है वो कंडीशन है, इसे कहा जाता है एवरेज वेलोसिटी। ओके ठीक है। और ये जो है यहाँ पर आप एक इंस्टेंट के बारे में बात कर रहे हो, एक इंस्टेंट के बारे में बात कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पर आपका टाइम ड्यूरेशन बहुत ही छोटा हो चुका है, 1 सेकंड, चाहे से 1 सेकंड से भी छोटा। अब 3 घंटे के सामने 1 सेकंड इज नेग्लिजिबल, सो आप इसे इंस्टेंट कह सकते हो। ठीक है, अगर टाइम ड्यूरेशन अगर कोई 1-2 मिनट का है तो वहां पर आप मिली सेकंड माइक्रो सेकंड की तरफ जा सकते हो। सो ये जो कंडीशन है ये उस इंस्टेंट की कंडीशन है, इनको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो फिर सर इसका और हमारे डेरिवेटिव का क्या संबंध है? इसका संबंध ऐसा है, आपने इंस्टेंटेनियस को कैसे निकाला? सो ये जो 3 घंटे का टाइम ड्यूरेशन था, पूरे टाइम ड्यूरेशन को आपने छोटा छोटा कर दिया। कितना छोटा कर दिया? आपने इसे इतना छोटा किया कि ये लगभग 0 जैसा ही टाइम ड्यूरेशन हो रहा है, 9:05 से लेकर 9:05:01। ये टाइम ड्यूरेशन बहुत ही छोटा है। ठीक है, ये बहुत छोटा टाइम ड्यूरेशन छोटा सब लोग ये बहुत छोटा टाइम ड्यूरेशन है, ऐसे को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस। यहां पर भी दिस इज 10:02:30 और 30 सेकंड के बाद 31 सेकंड, 30 से लेकर 31, इस 1 सेकंड के बारे में आप बात कर रहे हो। ठीक है, इसे कहा जाता है इंस्टेंटेनियस। सो आप यहां पर कैसे पहुंचे? तो आप यहां पर पहुंचे टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटा छोटा करके। वही काम आप यहां पर कर रहे थे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, टाइम को 0 की तरफ लेकर जाओ, मतलब बहुत छोटा करो। इसलिए हमने यहां पर जो वेलोसिटी निकाली उसे कहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सीलरेशन को कहा है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक है, क्या आया है क्या सबको ध्यान में? यस सर। यस ओके सर। हाँ बोलो। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपने डेरिवेटिव में निकाला माइनस 2 d/dt इनटू टी है, तो वो इनटू टी का आपने 1 क्यों लिखा? कल के क्लास में नींद लगी थी क्या? नहीं, पर मुझे वो नहीं समझा। तो ये क्या है ऊपर टी, बट वो कोएफिशिएंट नहीं है ना? कौन सा कोएफिशिएंट नहीं है? आपने बोला था कि जैसे 5 कल था उसके साथ में कुछ था नहीं, इसलिए वहां पे 1 आया। वो कांस्टेंट था। हां कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा। अब यहाँ पर देखो ये एक टर्म है, इसे मैथमेटिक्स में क्लास 5 में या 6 में बताया जाता है, दिस इज 1 टर्म। ये टर्म मतलब क्या है? दिस इज 2 into t। ठीक है, इसे कहा जाता है कोएफिशिएंट, इसे कहा जाता है वेरिएबल।
ठीक है। सो जब ये डेरिवेटिव अंदर गया तो देखो यहाँ पर एक ये बीच वाली स्टेप ऐसी है, दिस इज dt ऑफ 2t। अब यहाँ पर दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो इसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं, ये कोएफिशिएंट बाहर आता है और फिर अंदर क्या बचा ddt ऑफ t। इसका मतलब क्या है, t में छोटा सा चेंज होने के कारण t में कितना चेंज होगा, अरे भाई t में छोटा चेंज हुआ है तो ऊपर के t में भी तो उतना ही छोटा चेंज होगा। सो dt by dt क्या आएगा, ये 1 आएगा, इसलिए हमने 2 into 1 लिखा है। वही इधर देख लो, यहां पर क्या है, ये एक ही टर्म है और जहां पर साथ में कोई कोएफिशिएंट है, कोई वेरिएबल है क्या इसके साथ, नहीं इसके साथ कुछ भी नहीं है। यहां पर t टू द पावर 0 मतलब 1 है, ठीक है। अगर आपको समझना है तो ऐसा समझो, दिस इज t टू द पावर 0 मतलब 1 है। सो यहां पर कुछ भी नहीं है। अब मुझे बताओ ये टाइम में कुछ भी चेंज हुआ तो क्या इस 2 की वैल्यू चेंज होती है क्या, बिल्कुल नहीं। तो 2 का चेंज कितना आएगा, 2 का चेंज 0 आएगा। टाइम में कुछ भी चेंज हो जाए 2 ही रहेगा। सो इसलिए डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट ये 0 आएगा। सो यहां पर 2 ये टर्म ही, ये एक टर्म है, ये टर्म ही कांस्टेंट है। यहां पर ये टर्म कांस्टेंट नहीं है, दिस इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, इसमें से किसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, 2 की वैल्यू चेंज नहीं होती है। दिस इज अगेन अ टर्म, इस टर्म में कोएफिशिएंट कौन है, 3। इसमें से 3 की वैल्यू चेंज नहीं होती है, किसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, t की वैल्यू चेंज हो सकती है, इसलिए t स्क्वायर चेंज होगा। इसलिए कोएफिशिएंट को बाहर निकाला, जो चेंज होने वाला वेरिएबल पार्ट है उसको तो अंदर ही रखा है। आया क्या अभी ध्यान में, आया ना? हाँ। देखो कोएफिशिएंट और कांस्टेंट का डिफरेंस समझ लेना, किसी वेरिएबल के साथ एक नंबर एसोसिएटेड है तो उसे अपन कोएफिशिएंट कहते हैं। जहां पर कोई वेरिएबल ही नहीं है, जो वेरिएबल नहीं है, जो चेंज नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट, ठीक है। चलो और किसी को कुछ पूछना है, ओके अगर ये आ गया तो देखो और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं अपन ऐसे। और ये इंस्टेंटेनियस और एवरेज का डिफरेंस ध्यान में आ गया, मतलब मैं बहुत बार बताते वक्त कहता हूं इंस्टेंटेनियस मतलब क्या, तो अपने हिंदी में बहुत बार वर्ड आता है पलक झपकते ही, या मराठीत म्हणतात ते डोळ्याचं पातळ लवताना लवतो तोपर्यंत। सो बेसिकली आंख बंद करने के लिए, पलक झपकने के लिए जितना समय लगता है दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंट, एकदम छोटा टाइम। ऐसे छोटे टाइम की कंडीशन को हम इंस्टेंटेनियस कहते हैं, और अगर टाइम ड्यूरेशन बड़ा है तो उन्हें एवरेज कंडीशंस कहा जाता है, ठीक है। चलो so, और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो थोड़ा आसान किया है आपको, क्या कहा है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करो किसका, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, किसके विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो बेसिकली हमें कहा है आपको निकालना है डी वाई बाय डी एक्स, और यहां पर y मतलब f of x है sin x minus x square। तो बेसिकली हमें कहा है डेरिवेटिव निकालो sin x minus x square, क्या आ जाएगा ये,
डेरिवेटिव अंदर जाएगा बता दो क्या आएगा अभी साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स या माइनस कॉस एक्स माइनस नहीं देखो सिर्फ कॉस एक्स सिर्फ माइनस कॉस देखो देखो क्या लिखा है कल आपने देखो जल्दी क्या है ठीक है माइनस वाई साइड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर टू एक्स माइनस साइन वैसे के वैसे ही रहेगा ठीक है आ गया सर बिल्कुल इतना ही आसान है बस ये 13-14 फॉर्मूले वो अपने को पता होने चाहिए वो क्यों आए ये आप मैथ्स में डिटेल में पढ़ते हो इसलिए उसके डिटेल में अभी अपन नहीं जा रहे उसका एप्लीकेशन अपने हमने यहाँ पर देखा है ठीक है और एक क्वेश्चन कर लेते हैं सर एक सेकेंड वो स्लाइड रहने दो ना प्लीज हाँ ना देख लो कुछ लोग इक्वेशन लिख लो आपको कहा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालनी है एट टी इक्वल टू 3 सेकंड ठीक है वेलोसिटी निकालनी है जब घड़ी में टाइम होगा 3 सेकंड और आपको पोजीशन का रिलेशन दिया है क्या रिलेशन है x इक्वल टू 2t² माइनस 3t+2 देखो मेरा सॉल्व करके लिख लो किसको लिखना है 9 meters per second आ गया यस सर कैसे किया 2t का डेरिवेटिव हाँ 2t आपने किया देखो वेलोसिटी मतलब क्या होता है dx/dt x क्या दिया है 2t² + 2 अब डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं अपन दिस इज 2 कोएफिशिएंट बाहर डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर माइनस 3 कोएफिशिएंट बाहर डेरिवेटिव ऑफ टी प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t × 2 दिस इज 4t डेरिवेटिव ऑफ टी इज 1 सो माइनस 3 डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0 तो ये हमारा वेलोसिटी का रिलेशन आ गया अब यहां पर आपको पूछा है दिस इज जस्ट एज वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम ऐसा क्यों लिखा सर आपने क्योंकि टाइम चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज हो रही है सो अब यहां पर आपको टी इक्वल टू 3 पर निकालना है सो वी 3 क्या रहेगा 4 × 3 - 3 4 × 3 = 12 - 3 = 9 meters per second सही है क्या यस सर सो क्या आप मुझे इसका एक्सीलरेशन बता सकते हो क्या इसी क्वेश्चन में एक्सीलरेशन निकाल सकते हो क्या 4 meters per second² कितना आ जाएगा 4 meters per second² 2 या 4 4 So, आप लिखोगे सर देखो एक्सीलरेशन होता है dv/dt सही है ना सो वेलोसिटी का रिलेशन क्या है 4t - 3 यू कैन राइट दिस एज ddt ऑफ 4t माइनस ddt ऑफ 3
फोर कोएफिशिएंट बाहर, डेरिवेटिव ऑफ पी इज वन माइनस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जीरो, तो एक्सीलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो क्या आप मुझे बता सकते हो क्या यहाँ पर वेलोसिटी का ग्राफ कैसा रहेगा? कर्व रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा या हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा? तीन ऑप्शन दिए हैं वेलोसिटी का ग्राफ कैसा रहेगा। स्ट्रेट लाइन पक्का? देखो वेलोसिटी का रिलेशन v इक्वल टू 40 माइनस 3, y इक्वल टू mx प्लस c ऐसा है, और ये इक्वेशन होता है एक स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कैसी रहेगी? जिसका स्लोप m है, जिसका स्लोप m है और इंटरसेप्ट इज माइनस 3। ठीक है, इस प्रकार की लाइन रहेगी। पक्का क्या? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, और वैसे ही एक्सीलरेशन का ग्राफ कैसे आएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। एक्सीलरेशन का ग्राफ आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका ग्राफ इस प्रकार से आएगा। सर आपने इस प्रकार से क्यों निकाला? देखो बिल्कुल सही है, जब t इक्वल टू जीरो है तो y की वैल्यू माइनस 3 है, और x जीरो या ये वैल्यू जीरो जब हो रही है, y जीरो जब हो रहा है जब t की वैल्यू है 3/4। सो 4 कैंसिल, 3 माइनस 3 0। सो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है 3/4। ठीक है, इन जनरल मतलब थोड़ा सा वैल्यूज पुट करके आप करके आपको ये फील आ जाएगा कि ये ग्राफ कैसे रहेगा। ठीक है, बहुत बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, नॉट एग्जैक्टली वैल्यूज निकाल कर, बट ग्राफ का नेचर कैसा रहेगा ये आपने बताना चाहिए। ठीक है, क्या और एक दो क्वेश्चन कर लेके हम ऐसे ही? यस सर। यस सर। ओके, आप कहोगे सर ये आसान है, एक्सीलरेशन क्या होता है? dv/dt, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। dt इसके कारण है, बिकॉज दिस टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल। लिखो क्या डायरेक्टली चलेगा? Yes, sir. देखो टू कोएफिशिएंट बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर 2t माइनस 3 यहां पर कोएफिशिएंट है, ये बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ टी 1 2 इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 0। तो ये आ जाएगा 2 2 4t - 3। क्या आप मुझे बता सकते हो क्या हमारे रिलेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या हम इस केस में यूज कर सकते हैं क्या?
सर क्यों नहीं यूज कर पाएंगे सर टाइम के साथ में वेरी होता है एग्जैक्टली एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट इट मींस दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन एक्सीलरेशन वेरी हो रहा है और एक्सीलरेशन अगर वेरी हो रहा है तो वो रिलेशन हम यहाँ पर यूज नहीं कर पाएंगे ठीक है सो अब आप मुझे इस क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी बता दो बिटवीन टी इक्वल टू 3 टू टी इक्वल टू 5 देखो मैंने बहुत बड़ी हिंट आपको दे दी कैसे कर पाएंगे एवरेज वेलोसिटी अब शायद से आपको रियलाइज होगा मैंने पहले दिन आपको फंक्शंस क्यों पढ़ाए थे ओके शायद से एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें और एक चीज पढ़नी पड़ेगी आप मुझे एवरेज वेलोसिटी की जगह एवरेज एक्सीलरेशन बता सकते हो क्या मैं क्वेश्चन को सिंपल कर देता हूं एवरेज वेलोसिटी अपन करेंगे अभी आप एवरेज एक्सीलरेशन निकाल लो देखो एवरेज एक्सीलरेशन क्या आपको एक्सीलरेशन की वैल्यू पता है क्या हाँ a इक्वल टू 40 माइनस 3 तो देखो हमारा एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है टोटल डिस्टेंस नहीं वो तो एवरेज वेलोसिटी होती है ठीक है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम एवरेज एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन तो यहां पर कहां से कहां तक का आपको पूछा है t इक्वल टू 3 टू t इक्वल टू 5 सेकंड सही है सो इट इज एक्चुअली फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम कितना लगा है 5 से लेकर 3 तक v 5 क्या आएगा बस यहां पर 5 पुट कर दो v 5 मतलब टू इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 2 कितना आ रहा है देखो ये 37 5 का स्क्वायर 25 2 जा 50 50 माइनस 15 35 प्लस 2 37 बी 3 कितना आ रहा है 11 कितना आ जाएगा ये 37 माइनस 11 26 सही है ना अपॉन 2 13
एक्सीलरेशन है इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो देखो एक्चुअली करना कुछ भी नहीं था, सिर्फ इक्वेशन में वैल्यू पुट करके वे वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट निकालनी थी, सिर्फ ये अपने को क्लिक होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमें ये कंसेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है क्या। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें एक्चुअली लगेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, सही है। और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन कैसे निकालना आपने तो देख लिया, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना इसे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में और दो क्लासेस लगेंगे, जा सकते हैं अपन वेलोसिटी से जैसे एक्सीलरेशन पर गए वैसे वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पर भी जा सकते हैं। क्या थोड़ा थोड़ा डेरिवेटिव्स का फील आ रहा है क्या, कहां पर यूज करना कैसे यूज करना? यस सर, यस सर, सही है। यस सर, यस सर, ओके, बहुत बढ़िया सर। हाँ बोलो सर, टी की वैल्यू 5 और टी की वैल्यू 3 है जैसे वेलोसिटी में पुट किया था अपन ने सर, हाँ तो वैसे जो सर डेरिवेटिव निकाला सर डेरिवेटिव से एक्सीलरेशन 4t माइनस 3 उसमें सर वैल्यू पुट करके डिवाइड बाय 2 करते तो भी हो जाता ना, ये इस केस में हो रहा है, सभी केस में नहीं होगा, ठीक है। इस केस में इसलिए हो रहा है, अभी पूछा है तो समझ लो, ये कैसा रिलेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, किसका इक्वेशन है ये, स्ट्रेट लाइन। सो ये एक्सीलरेशन टाइम का ग्राफ कैसे आएगा, इस प्रकार से कोई स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। अब एवरेज मतलब क्या, हमने क्या निकाला, एवरेज एक्सीलरेशन, ठीक है। ये ग्राफ है एक्सीलरेशन और टाइम का, और इस प्रकार से जब ये वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होते रहती है, यूनिफॉर्मली चेंज होती रहती है, ठीक है। सो इस केस में आपका हाफ वाला फॉर्मूला u प्लस v बाय 2 या फाइनल एक्सीलरेशन माइनस इनिशियल एक्सीलरेशन अपॉन 2 इस केस में आ जाएगा, बट सभी केसेस में ऐसा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सभी केस में आपका एक्सीलरेशन इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट नहीं होगा। जहां जहां आपका ग्राफ इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन है उस केस में आपकी एवरेज वैल्यू यू प्लस वी बाय टू ए इनिशियल प्लस ए फाइनल बाय टू ऐसे आ सकती है, बट हर केस में ऐसे नहीं आएगी, इसलिए फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं करना, ठीक है। यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ग्राफ का नेचर इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन का है, अगर यहाँ पर टी स्क्वायर रहता तो ये ग्राफ सेकंड ऑर्डर रहता और इस प्रकार से ऊपर जाता। इस केस में आपका u प्लस v बाय 2 या a1 प्लस a2 बाय 2 ऐसा नहीं आता, ठीक है। इस केस में आ सकता है, आएगा ही, बिकॉज इस ग्राफ का नेचर ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना, y के जगह a है और x के जगह t है, सो t चेंज होने से a चेंज होता है, जैसे ये तो हमारी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है, बट अदरवाइज हम ऐसा लिख नहीं पाएंगे, ठीक है क्या। इसलिए अगर लगे तो मैं आपको एक चीज यहां पर ही बता देता हूं, एक मिनट ज्यादा लगेगा। हमारा वेलोसिटी का रिलेशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मैंने थोड़ा सा उल्टा लिखा है, क्यों, सो दैट यहां पर मैच हो जाए। अब वेलोसिटी का ग्राफ उस केस में जहां पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है उस केस में ऐसा स्ट्रेट लाइन हमने निकाला है, आपको याद होगा हमने जो ग्राफ निकाले हैं उन ग्राफ में हमारा यू वी का ग्राफ इस प्रकार से आता है, और इसलिए जब ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट है उस केस में आप एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाय 2 लिख सकते हो, इसलिए यहां पर आपका एवरेज एक्सीलरेशन
ए इनिशियल प्लस ए फाइनल बाय टू आया है, हर केस में नहीं आएगा। ये स्ट्रेट लाइन जैसे इक्वेशंस की खासियत है, क्योंकि ये चेंज यूनिफॉर्म है, इसका स्लोप कांस्टेंट है, मतलब ये चेंज यूनिफॉर्म है और इसलिए यहाँ पर एवरेज वैल्यू यू प्लस वी बाय टू आती है। जब आप मैथ्स में थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन और उनके ग्राफ्स पढ़ोगे तब आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, क्या ध्यान में आया है? यस सर। ओके, मैं आपको इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस, अब कल तो अपने को छुट्टी है, कुछ क्वेश्चंस आपको आज भेज देता हूँ, मंडे हम इसके आगे का पार्ट करेंगे। एक्चुअली मुझे आज आपके ये दो फॉर्मूले लेने थे, क्वेश्चन टू लैंड और दूसरा वाला रूट, पर ठीक है, अभी हमें समझने के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम की जरूरत है तो अपन ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा धीरे जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, किसी को अगर ग्राफ के नेचर में दिक्कत है तो प्लीज एक बार, मैंने जो पीडीएफ भेजी है अलग अलग जगह पर ग्राफ्स अलग अलग कैसे आते हैं तो उनको देखकर करना। मैंने एक पीडीएफ भेजी है अलग अलग इक्वेशन अलग अलग केसेस में अलग अलग ग्राफ कैसे आते हैं, जिसकी हमने एक दो क्लासेस में उसको डिस्कस भी किया है, तो उनको देख लेना। ठीक है, दूसरा कुछ होमवर्क मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में भेज रहा हूँ आज, सो डोंट वरी, आपको होमवर्क मिल जाएगा।